पेस्टिसाइड्स का लोगों की सेहत पे क्या असर होता है, ये जानने के लिए हमारी टीम ने पंजाब को चुना, क्योंकि पंजाब का एरिया भारत का 2% मात्र है, लेकिन यहाँ देश में इस्तेमाल होने वाले पेस्टिसाइड्स का हिस्सा देश का 15 से 18% है। आखिर इतनी भारी मात्रा में ये जहरीले पेस्टिसाइड्स क्यों छिड़के जा रहे हैं? इसका जवाब दिया खुद एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स के विक्रेता सुरेंद्र महेश्वरी जी ने। पॉइजन है जी, पॉइजन, बहुत तगड़ा पॉइजन है, मोनोक्रोटोफास है ये। अभी यूनिवर्सिटी ने लिखा है सब्जियों के ऊपर ना यूज करो, हमने विजिटिंग कार्ड के ऊपर लिखा हुआ है यूज मत करो, इससे कैंसर होता है, लेकिन फिर भी अवेयरनेस की कमी कह लो, कुछ भी कह लो, सभी लोग डाल रहे हैं। जैसे 40 ग्राम पड़नी चाहिए, कंपनी वाले पहले तो गलती करते हैं, 60-70 ग्राम कर देते हैं, हम उसको 100 ग्राम कर देते हैं, फिर वो कहता है यार 100 ग्राम क्या करेगी, वो उसको 150 ग्राम कर देता है, फिर उसका जो सर्वेंट उसको 200 ग्राम कर देता है, यानी 40 ग्राम वाली 200 ग्राम पड़ रही है, तो इतनी ओवरडोज पड़ती है। कंपनियों ने हमारी ऐसे दौड़ लगा रखी है, सुरेंद्र जी आपके 80 लीटर हो गए, आप 20 लीटर और बेच दो तो आपको माइक्रोवेव मिलने वाला है, आप 1000 लीटर कर दो, 200 लीटर और कर दो तो आपको रशिया का वशिया का टूर मिलने वाला है। ये अपने पैर पे आपका लाड़ी मारने वाली बात है, गेहूं तो हमारे बच्चे भी वही खा रहे हैं ना, जिस पे हमने वो स्प्रे करवाया। गुरप्रीत एक समाज सेवक है, अपने आसपास के गांव में लोगों की लगातार गिरती सेहत देख गुरप्रीत ने एक सर्वे किया। पूरी फूड चेन में पेस्टिसाइड घुस चुके हैं, सुबह जहर छिड़का जाता है, शाम को सब्जी आपके बर्तन में होती है बनने के लिए। ये जो सिनेरियो है ये पूरे पंजाब का है। पंजाब के हजारों गांव में यही हाल है, लोगों की सेहत लगातार गिर रही है। पहले तो कोई गरले वरले आदमी को सुनते थे कैंसर है, अभी तो हरेक दुनिया से कैंसर ही कैंसर के मरीज है जी। हालात इतने खराब हैं कि राजस्थान के बीकानेर जिले के एक चैरिटेबल कैंसर अस्पताल जाने के लिए पंजाब से एक ट्रेन चलती है। भटिंडा से बीकानेर जाने वाली इस ट्रेन को कैंसर ट्रेन कहा जाता है। ये कैंसर ट्रेन कितने बजे आएगी? 9-10 तक आएगी। गाड़ी में कैंसर के मरीज होते हैं, मतलब कि जब हम जनरेशन कराते हैं तो उसमें बहुत ज्यादा सीरियस मरीज होते हैं, वो भी कैंसर के होते हैं, कोई उसमें मतलब कि जॉब वाला आदमी नहीं होता, कोई NRI नहीं होता, कोई मतलब कि नौकरी पेशे से नहीं होता। मेरी छाती में गांठे हो गई, फिर पूरे शरीर में गांठे ही गांठे हो गई। ससुराल वालों ने मुझे मेरी माँ के पास छोड़ दिया। मेरी माँ बहुत तकलीफ से मेरा इलाज करा रही हैं।